आज ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल फितर 30 दिनों के उपवास के अंत का प्रतीक है और इसे 3 दिनों तक मनाया जाता है। ईद उल फितर में ईद का अर्थ है त्यौहार और फितर का अर्थ है उपवास तोड़ना। इसी तरह ईद उल फितर का अर्थ है उपवास तोड़ने का त्यौहार। यह उत्सव तब तक शुरू नहीं होता जब तक आकाश में चांद दिखाई नहीं देता है। यह दुनिया भर में अलग अलग समय पर शुरू होता है और न सिर्फ अलग अलग समय पर बल्कि अलग अलग दिनों में भी। यह त्यौहार न केवल दावत देने के बारे में है बल्कि विशेष रूप से बच्चों को उपहार देने का भी है। ये उपहार पैसे, किताबें, सामान, खिलौने और कपड़े के रूप में होते हैं और इन उपहारों को ईदी कहा जाता है। यह अनुमान है कि 1.8 अरब से अधिक मुसलमान हर साल ईद मनाते हैं और इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है।